उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिटनेस चैलेंज दिया है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने फिरोजिया को चैलेंज दिया था कि उन्हें अपने वजन से 1 किलो वजन घटाने पर 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलेगी, जिसका वे अपनी लोकसभा में विकास कार्यों में उपयोग करेंगे। आपको बता दें कि फिरोजिया 125 किलो के हैं और उन्होंने यह चैलेंज उज्जैन के विकास के खातिर स्वीकार किया है। इस साल फरवरी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी ने मालवा क्षेत्र के लिए 5,772 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। परियोजनाओं की कुल लंबाई 534 किलोमीटर थी। एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने सांसद अनिल फिरोजिया से कहा था कि जितने किलो वजन वह कम करेंगे उन्हें हर किलो के हिसाब से उज्जैन के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनिल फिरोजिया ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। को बता दें कि इसके अलावा बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए भी चर्चा में रहते हैं। हाल में ही अनिल फिरोजिया ने राहुल गांधी को गद्दार तक कह डाला था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी रहते भारत में हैं लेकिन बोलते भाषा चीन और पाकिस्तान की है। ऐसे गद्दारों को देश कभी माफ नहीं करेगा। हमेशा राहुल गांधी इसी तरह से देश की छवि खराब करते रहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वो सरासर गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।